गुड आफ्टरनून, जय हिंद जय भारत। यार बहुत दिनों के बाद यार एक नवा सा वीडियो में स्वागत करता हूँ यार, बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। अभी मैं जा रखा हूँ यार यहाँ पे ईटानगर, हमारा जो राजधानी है ना, कैपिटल ईटानगर। यहाँ से एक होलोंगी चेक गेट है जो कि यार अरुणाचल अंदर एंट्री करता है ना, एक चेक गेट है वहाँ पे ना, एक यार फेस्टिवल हो रहा है यार ईटानगर अरुणाचल असम का एक तो फेस्टिवल हो रहा है, बॉर्डर फेस्टिवल। बस मैं ऐसे देखने जा रहा हूँ यार वहाँ पे। अभी समय हो रहा है शाम का 3 बजने को है यार, बस शाम को जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। तो आज तो 17 तारीख है, वहाँ पर क्या होगा पता नहीं, अभी शाम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो उसके बाद तो यार कुछ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। बट फिर यार कल ना 18 को ना यार एक सिंगर आ रहा है यार कोकराझार से ना, असम कोकराझार से एक सिंगर आ रहा है, तो उसका कुछ गाना सुनने को मिलेगा शायद। बस ये वीडियो जो है कंटिन्यू कल तक मैं करूँगा, अभी तो शाम होने को है। बस अभी मैं यार ये गेट पहुँच चुका हूँ यार, आप देख सकते हो होलोंगी गेट, ईटानगर एंट्री करने का जो गेट है ना, चेक पोस्ट यहाँ पे। ओके देन देखते हैं अंदर फेस्टिवल ग्राउंड में जा करके यार, वहाँ थोड़ा बंदोबस्त करते हैं कैंपिंग करने का, टेंट लगाने का। चलो ठीक है यार, ओके। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात यार। कल शाम को मैं गया था ना 3 बजे करीब यार, ये फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए गया था, जो कि यार असम और अरुणाचल का जो बॉर्डर फेस्टिवल चल रहा है अभी, कल मैंने बोला था ना। तो ये जो फेस्टिवल जो एक्चुअली होलोंगी चेक गेट पार होके ना असम के अंदर में मना रहा था, लेकिन कल फिर वहाँ जाके पता चला कि यार ये फेस्टिवल जो 4 दिन के लिए बंद किया हुआ है, 4 या 5 दिन के लिए, क्योंकि ना अभी वो ग्राउंड से ना फिर यहाँ इस पर शिफ्ट कर रहा है, अरुणाचल के अंदर में शिफ्ट कर रहा है, होलोंगी के पास में ग्राउंड है उसमें शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि आधा समय वहाँ मना लेंगे आधा यहाँ मनाएंगे, ऐसे होंगे शायद। तो यार कल मैं अटेंड करने गया था, फिर वो 4 दिन के लिए बंद पड़ा हुआ है, कम से कम अभी यार 22-23 से स्टार्ट होगा शायद, ऐसे बोल रहे थे। और आज है 18 तारीख, आज यार कोई कोकराझार से सिंगर आने वाला था शायद, तो वो भी शायद नहीं होगा, कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसे करके मैं क्या किया यार, फिर रात को ना वहाँ से यार वापस आ गया यार, वो फेस्टिवल ग्राउंड से वापस आ गया, फिर होलोंगी अपना अरुणाचल के अंदर एंट्री किया। फिर जस्ट होलोंगी गेट अंदर एंट्री करने के बाद ना यहाँ यार पास में एक नदी था यार, तो नदी के किनारे ना इतना सारा लोग जो पिकनिक मना रहे थे ना, अभी यार नया साल का मौका चल रहा है तो इसके लिए यार इतना सारा पिकनिक मना रहे थे। फिर मैं भी यहाँ पे यार ज्वाइन कर लिया, अपना कैंपिंग टेंट को भी यहाँ पीस कर लिया नदी के किनारे में यार, यहाँ सो गया यार। तो मेरा टेंट कहाँ लगा है मैं दिखाता हूँ, ये आप देखो पीछे यार, यहाँ अपना टेंट लगाया है। रात को बहुत अच्छा नींद आया यार, बहुत मज़ा था यार, रेत के ऊपर मैंने टेंट लगाया। और ये आप देख सकते हो पीछे छोटा सा नदी है, बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, रेत पूरा सेंट मिक्स होकर आ रहा, तो यार बहुत गंदा भी नहीं है बट ठीक है यार। तो ऐसे करके ना उस साइड पे यार आप देखो यार पिकनिक स्पॉट, यार बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है वहाँ, कल बहुत लोग थे यार, असम के थे, अरुणाचल के थे यार, ऐसे करके। फिर यहाँ पर भी है देखो पिकनिक स्पॉट, बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, ये होलोंगी के अंदर में यार चेक गेट के अंदर पड़ता है यार। और कल रात को ना यार मेरे को यार बहुत सारा दोस्त भी मिला यार यहाँ पे पिकनिक मनाने वाले यार, हम सब बैठे थे रात का 1-2 बजे तक यार, बहुत सारा खूब एंजॉय करके बैठे थे यार यहाँ पे यार। फिर उन लोग ना 2-3 बजे सुबह का 3 बजे करीब चला गया यहाँ से, फिर मैंने अपना टेंट तो यहाँ पिच किया था, मैं यहाँ यार मज़ा से सो गया। अभी समय हो रखा है सुबह का 9:30 होने को है, तो बस ऐसा ही यार देखता हूँ यार अभी आज क्या होगा। 22 से शायद फेस्टिवल शुरू होगा बोलता है, लेकिन तब तक तो यार बहुत दिन बचा हुआ है यार, 2-3 दिन बचा हुआ है, तो मैं शायद वापस ईटानगर चला जाऊँ, देखता हूँ यार क्या करेंगे। लेकिन आज तो यहाँ पे रह जाऊँगा यार आज, क्योंकि ये आसपास का नज़ारा है ना, थोड़ा यार मज़ा से बैठता है यहाँ पर, आग जलाएँगे यार, कुछ कुछ रोस्टिंग वोस्टिंग करेंगे, फिर अच्छे से बैठेंगे ऐसे सोच रहा हूँ। तो अभी कुछ देर के बाद ना यार ये होलोंगी मार्केट में थोड़ा सा कुछ कुछ लेने जाएंगे यार, सामान सब्जी वगैरह ले लेंगे, फिर उसके बाद वापस आके यहाँ टेंट लगाएंगे, रोस्टिंग वोस्टिंग करेंगे, ऐसा करके बैठेंगे यार। बट अभी सुबह सुबह मैंने ये आप देख लो यार,
आग भी लगाया है, क्योंकि ये आग तो ना कल रात से मैंने जलाया था, पर यार ये सुबह तक जल के बैठ रहा था ऐसे करके। तो अपना चाय तो हो चुका है, अभी यार ब्रेकफास्ट करेंगे। कुछ है मेरे पास में यार, मैगी वगैरह वगैरह कुछ कुछ है यार, इसको बनाते हैं फिर खाते हैं, फिर निकलते हैं वो मार्केट की तरफ। दिन भर आज यहीं रहेंगे शायद। ये अपना आशियाना, आप देखो यार कुछ इस तरह से है अपना आशियाना। नींद तो बहुत ही मज़ा आया यार, सच बताऊँ यार। ये रेत के ऊपर ना एकदम सा बहुत ये यार अच्छा लगता है यार, सॉफ्ट सॉफ्ट सा फीलिंग ना। तो ये सब है बस, नज़ारा देखो आप सुबह का। होलोंगी जस्ट ये एयरपोर्ट एंट्री होने का गेट है ना, उसके ऑपोजिट में है यार ये नदी जो है ना। चलो ठीक है यार, ये वीडियो यहीं का होगा, थोड़ा आसपास का दिखाऊंगा मैं। चलो ठीक है, बने रहो। ओके देन ना, थोड़ा सा ना यार ये होलोंगी असम से ना थोड़ा सा सामान लेकर के वापस जा रहा हूँ यार, वो नदी किनारे में यार, ये वहाँ बैठेंगे थोड़ा आराम से ना। तो ये आप मेरे पीछे आप देख रहे हो ना कितना अभी यार साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, आप देखो यार ना, घास बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है ना। क्योंकि आज से ना यार करीब एक साल पहले हमने यहाँ पे ना यार बहुत दिन यहाँ यार सोशल सर्विस करा यार, सच में यार इतना सारा दिन सोशल सर्विस करा ना। ये आप देखो अभी थोड़ा थोड़ा घास उगने लगा है, बट उस टाइम में ना यार इतना लंबा घास हो रखा ना कि कुछ भी यार ये रोड में मतलब कि हाईवे की तरफ ऐसा झुक रहा था ना घास, इतना लंबा हो रखा था यार। तब ना इतना सारा दिन कम से कम यार 10 दिन ऐसा यार सोशल सर्विस करे होंगे यार, हमने भी उसमें भाग लेने का मौका मिला यार, अच्छा लगा। तो आज अचानक से यार ये रास्ता में आया हूँ तो इसको याद आ के ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आप सबको यार। ये देखो अभी तो सारा उठा नहीं है घास यार, छोटा छोटा घास है यार। ओके चलो ठीक है, जा रहा हूँ वापस यार बैक टू नदी के पास में, रोस्टिंग वोस्टिंग करेंगे। ठीक है चलो, कोई गाड़ी आ रहा, क्रॉस करता हूँ मैं। देखो भाई साहब यार मेरे पीछे एक यार ढाबा आप देख सकते हो ना, बट यार ढाबा देखना तो बहुत बड़ा शॉकिंग वाला बात नहीं है यार, ढाबा तो हर हाईवे में मिल जाता है ना। बट यार मेरे को ना इसका जो नाम है ना, नाम ये बहुत ज़्यादा यार यूनिक सा और बहुत फनी सा लगा यार। वो पीछे आप देख रहे हो ना, टेंशन हीलिंग ढाबा करके यार टेंशन हीलिंग ढाबा करके यार। चलो ठीक है यार, ऐसा ही बता रहा हूँ, थोड़ा यार फनी सा लगा इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। ओके चलो वापस जाते हैं वहाँ यार, नदी किनारे किनारे पहुँच चुका हूँ यार। आप देख पा रहे होंगे वो बैक साइड ना मैंने अपना यार टेंट वहाँ पे पीस किया था यार। अभी ये नदी क्रॉस करके जाता हूँ, छोटा सा नदी है यार। चलो ठीक है, ये देखो यार पानी पूरा सूख रखा है यार, अब विंटर सीजन में पानी सूख जाता ना, बहुत कम थोड़ा सा पानी बचा हुआ आप देख सकते हो। ठीक है यार चलो, ये यार अब आराम से बैठेंगे और कुछ कुछ बनाएंगे यार, अभी शायद पिकनिक वाले फिर आएंगे बहुत सारा मेरे ख्याल से। चलो अपना ना यार आज थोड़ा फिश खाने को मन किया तो यार थोड़ा फिश करी बना लेते हैं यार, ये जो फ्राई कर रहा हूँ। और यार कुछ पत्ता भी तोड़ के लाया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा खाना बनाऊंगा यार, उस दिन जो मैंने खाया था ना इसके अंदर पका के उसी तरह। बस यार अभी उस साइड में शायद कोई आएंगे होंगे पिकनिक मनाने वाले, बट आज तो मंडे है फिर भी देखते हैं यार। चलो ओके, अपना फिश फ्राई हो रहा है, ठीक है। ये रहा अपना चावल बन रहा है, पत्ता के अंदर मैंने डाला था ना उस दिन जैसा, ये देखो यार ऐसा करके। ओके पानी देता है तो जी यार, अपना खाना पक चुका है यार, चावल अपना बन चुका है देखो ये ऐसा करके। तो चार पांच पीस बनाया मैंने, ये मैंने चावल देखो अपना चावल ये पक गया ऐसा करके,
है ना। इसको खाने में यार कुछ पत्ते के अंदर बनाने से ना कुछ अलग सा एक गन आता है यार, इसके लिए मैं बनाता हूँ यार, अच्छा एक गन महसूस होता है यार। चलो ठीक है, अपना सब्जी भी बन रहा है। ओके एन्जॉय। आप देख सकते हो यार मेरे पीछे ना यार बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा एक मिथुन बना हुआ है यार। मिथुन बोले तो यार ये क्या है, भैंस है ना शायद, ऐसा कुछ है यार। ये जो हमारा स्टेट का ना अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है ये जो है मिथुन जो है, और शायद नागालैंड का भी ये स्टेट एनिमल है मिथुन। ये आप देखो, और ये कहाँ बना हुआ है आपको पता है? अभी रिसेंटली टू यार होलोंगी में यहाँ एक एयरपोर्ट इनोग्रेशन हुआ है ना, तो उस जस्ट यार अंदर एंट्री होने का जगह में ये बना हुआ है, आप देख सकते हो। एंट्री होने का जगह में ये बना हुआ है, आप देख सकते हो, एयरपोर्ट एंट्री होने का जगह में कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अपना स्टेट एनिमल है यार ये मिथुन, मिथुन ओके। कुछ ऐसा है चौक, आप देखो यार